पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद रखने का आसान तरीका इसके निकनेम को याद रखना। इंग्लिश में जितना भी वर्ड्स है उसको जो 8 पार्ट में बांटा गया, प्रत्येक पार्ट को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नाउन का निकनेम है नेमिंग वर्ड्स, दुनिया में जितना भी नाम है वो नाउन है। प्रोनाउन रिप्लेसिंग वर्ड, यानी ये नाउन को रिप्लेस करता है। फिर वर्ब है डूइंग वर्ड्स, हंसना खाना ईट रन वॉक सब क्या है वर्ब है। उसके बाद एडवर्ब मॉडिफाइंग वर्ड्स, जैसे गुड से गुडनेस, मैड से मैडनेस, तो ये गुडनेस मैडनेस क्या एडवर्ब है, तो यानी ये वर्ड को मॉडिफाई कर देता है। एडजेक्टिव क्या है क्वालिटी वर्ड्स, यानी किसी का गुण, जैसे व्हाइट काउ ब्लैक बफेलो, तो व्हाइट ब्लैक ये सब क्या है एडजेक्टिव है, तो किसी का क्वालिटी क्या होता है उसका एडजेक्टिव होता है। उसके बाद प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन क्या है रिलेशनशिप वर्ड्स, कि जैसे वर्ब और नाउन के बीच ये रिलेशन को जोड़ता है, जैसे आई लिव एट पर्वत, तो वर्ब और नाउन के बीच रिलेशन जोड़ता है प्रीपोजिशन। कंजक्शन क्या एडिशन वर्ड, जैसे राम और मोहन, तो नाउन नाउन को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन की यूज करते हैं, जैसे राम एंड मोहन, तो एंड क्या है वो कंजक्शन है। इंटरजेक्शन क्या है फीलिंग वर्ड्स, यानी इमोशनल वर्ड्स, यानी ओ माय गॉड, अल्लास, आह, ये सब क्या इंटरजेक्शन है।